अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत में आठवें दिन भी सुधार नहीं है। रविवार को रामदास अठावले और धर्मपाल सिंह मेदांता पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने अखिलेश से मुलाकात कर सपा संरक्षक का हाल जाना है। शनिवार को मेदांता ने उनका हेल्थ बुलेटिन जारी किया। इसमें कहा गया कि उनकी हालत अभी क्रिटिकल है, वह लाइफ सेविंग्स ड्रग्स पर है, आईसीयू में वेंटिलेटर पर है। डॉक्टरों का कहना है कि अगले 24 से 48 घंटे काफी महत्वपूर्ण है। वहीं वाराणसी के सिरगोवर्धनपुर गांव निवासी अजय फौजी ने शनिवार से दंडवत प्रणाम यात्रा शुरू की है। सपा कार्यकर्ता अजय फौजी ने कहा, हमारे घर से चौरा माता का प्राचीन मंदिर 2 किलोमीटर दूर है। हमने संकल्प लिया है कि जब तक नेताजी स्वस्थ नहीं हो जाते, तब तक रोजाना घर से दंडवत प्रणाम करते हुए चौरा माता मंदिर तक जाऊंगा। लखनऊ में जुमे की नमाज पर नमाजियों ने मुलायम सिंह की स्वास्थ्य के लिए दुआ की है। मौलाना सूफिया निजामी ने कहा कि जुमे की नमाज में नेताजी के लिए दुआ मांगी गई है। मुलायम सिंह का देश की तरक्की में बहुत योगदान रहा है। इधर शहर के हनुमान सेतु मंदिर में सपा कार्यकर्ताओं ने मुलायम सिंह के स्वास्थ्य के लिए बजरंग बाण एवं हनुमान चालीसा का पाठ किया। वहीं शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के जल्द ठीक होने के लिए मेरठ में पार्टी कार्यकर्ताओं ने हवन पूजन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने हवन कर भगवान से मुलायम सिंह यादव के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता का 9 जुलाई को निधन हो गया था। उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। साधना गुप्ता काफी समय से बीमार चल रही थी। उन्हें फेफड़े में संक्रमण की शिकायत के बाद मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था।